हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर श्रीजेश के रिटायरमेंट पर कहा कि भारतीय हॉकी में श्रीजेश का योगदान बेहद अहम रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारतीय हॉकी टीम मजबूत स्थिति में है और अब टीम की नज़र 2026 में होने वाले हॉकी विश्व कप पर टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप टिर्की सर, इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। आज श्रीजेश का रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में एक पार्टी रही। इनका जो पूरा करियर रहा सर, भारतीय हॉकी के डेवलपमेंट में एक बड़ा योगदान के तौर पर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप, कितना इंपॉर्टेंट रहा इनका योगदान? देखिए, श्रीजेश का परफॉर्मेंस पिछले कई सालों में एक्सलेंट रहा है। इंडियन हॉकी को काफ़ी बेहतरीन हॉकी दिखाई है। हम अपना मेडल का कलर बदल नहीं पाए, लेकिन उम्मीद है हम अगले ओलंपिक में इसको बदलने में कामयाब रहेंगे। किस तरीके की अब तैयारी होगी, जो हमने इसमें कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी, इस पर किस तरीके से काम किया जाएगा? काफ़ी उम्मीद थी कि हम मेडल का रंग का चेंज करेंगे, लेकिन बैड लक रहा कि सेमीफाइनल मैच में हम लोग बेहतर हॉकी खेले जर्मनी के अगेंस्ट में, लेकिन बस इतना ही कि हम उस मैच जीत नहीं पाए। सर 2026 में हॉकी वर्ल्ड कप है, उम्मीद है इस बार जिस तरीके से हमारी टीम एकदम अच्छे खिलाड़ियों से, मजबूत खिलाड़ियों से सजी हुई है, तो हर किसी को उम्मीद है कि इस बार हम वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुश इस बात से हूँ कि टीम का परफॉर्मेंस बेहतरीन होते जा रहा है, डे बाई डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। आज वर्ल्ड किसी भी टीम को हम बीट कर सकते, फाइट कर सकते, जीत सकते हैं, ये टीम की स्थिति हो गई है। उम्मीद कर रहे हैं, अभी 2 साल है, 1.5 साल है, तो उसमें एशियन गेम्स हमारा टारगेट है, वर्ल्ड कप हमारे टारगेट है, और टीम से हम उम्मीद करें कि किस तरीके से एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप में बेस्ट परफॉर्मेंस आए। सर हॉकी इंडिया देश में हॉकी को बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्य क्रियाकलाप चला रहा है, फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ भागों से ज़्यादा खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं एक थोड़ा एक इम्बेलेंस नज़र आ रहा है, तो ऐसा हमारे पास क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि देश के और क्षेत्रों से खिलाड़ी बाहर निकल के आए, ग्रास रूट पे किस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग ग्रास रूट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब जूनियर बच्चों के लिए, उनके लिए एक्सपोजर के लिए, एक्सपोजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मैच उनके लिए, इंटरनेशनल टूर, अब नेशनल कोचिंग प्रोग्राम में किस तरीके से आएंगे बच्चे, ड्रैग पिकिंग प्रोग्राम्स, गोल कीपिंग प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम हम चला रहे हैं बच्चों के लिए। इस बार सर हमने 6 पदक जीते ओलंपिक में, कहीं ना कहीं अगर ये पदक डबल डिजिट जा सकता था अगर हमारे बहुत सारे खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे, तो इसको एक बदलाव की तरह के नज़रिए से देखते हैं आप कि हम और बेहतर कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी और मेहनत होती तो आज हम डबल डिजिट में होते। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं 4th पोजिशन में रहे, सेमीफाइनल में लूज़ किए, कुछ 100 ग्राम के लिए फाइनल राउंड से बाहर हो गए, सो इस तरीके से सिचुएशन आया, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडियन स्पोर्ट्स में, डिफरेंट खेलों में। जी, से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर, थैंक यू।